का एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया है। हमारे पास बैहर थाना क्षेत्र अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ आरोपी नकली नोट बैहर थाना क्षेत्र में ग्रामीण अंचल में चलाने का प्रयास कर रहे हैं और उनमें से कुछ लोगों के अंधविश्वास का फ़ायदा उठा के उनके अंदर अंधविश्वास फैलाकर यहाँ पर बड़ी रकमें खपाने का प्रयास कर रहे हैं। बैहर थाना पुलिस ने SDOP बैहर के उसमें नेतृत्व में कार्रवाई की है, जिसमें शुरुआती रेड में करीब 8 लाख से अधिक की नकली नोट की खेप हमारे पास पकड़ में आई और उन आरोपियों से पूछताछ करने पर और आगामी कार्रवाई करने पर लगभग 5 करोड़ से अधिक के नकली नोट बालाघाट पुलिस और गोंदिया पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में जब्त किए हैं। इनमें ये नोट कहाँ छपे या इनके ऊपर कौन है जो इसका पूरा नेटवर्क चला रहा है और इन नोटों को छाप कर इसको खपाने का प्रयास कर रहा है, उन सभी बिंदुओं पर विवेचना जारी है और शीघ्र ही इसमें अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी और आगे की विवेचना जारी है। सर, किस आधार पर पहचान हुई सर की नकली नोट है? ये जो सूचना प्राप्त हुई थी, कुछ व्यक्तियों ने इसमें शंका जाहिर की थी। कुछ ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध रूप से अत्यधिक कैश लेकर घूम रहे हैं और जिनके द्वारा कैश को खपाने का प्रयास या जो कैश है उसको अंधविश्वास के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदेह पर, इस सूचना पर बालाघाट पुलिस ने बैहर थाने में ये ऑपरेशन प्लान किया था और उनके द्वारा जो रेड की गई उसमें ये बात सच पाई गई और जो पहली खेप में 8 लाख रुपए मिले उसमें विभिन्न डिनोमिनेशन के अलग अलग नोट थे, जिनमें ये समझ में आ रहा था कि ये कहीं ना कहीं से बड़ी रकम इनके पास आई है। उनके पेपर की क्वालिटी देखते हुए समझ में आया कि ये किसी अच्छी जगह प्रोफेशनल तरीके से इसको प्रिंट कराया जा रहा है और इसी कारण इसको गंभीरता से लेते हुए और जो आगामी रेट प्लान की गई जिससे एक बहुत बड़ा अमाउंट एक हमारे पकड़ में आया है और जिसको न सिर्फ गांव वालों तक पहुंचने से रोका गया बल्कि उनका फाइनेंशियल नुकसान होने से बचाया गया। कहीं ना कहीं उसके बदले जो असली करेंसी है, जो असली हमारे नोट हैं भारत सरकार द्वारा जो जारी किए जाते हैं, वो आरोपियों तक पहुंचते और इस तरह से वो अपनी आपराधिक जो एक धन संपत्ति है, जो ब्लैक मनी है, उसका इजाफा होता है जिसको रोका गया।